मोनिका DIY में आपका स्वागत है। अक्सर सर्दियों में पैरों की एड़ियां फट जाती हैं और बहुत बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं, जिससे पेन भी होती है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप अगर यूज करेंगे तो आपकी 3 से 4 दिन में ही फटी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। तो आप इस तरीके को एक बार ट्राई जरूर करें और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम फटी हुई एड़ियों को ठीक कर सकते हैं। पैरों की अच्छी तरह से केयर ना करने से कुछ इस तरह से बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं, और इन फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, और ये तीनों चीजें ही मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे वैसलीन। तो वैसलीन तकरीबन हर घर में होती है, तो 1 छोटा चम्मच वैसलीन लेंगे। वैसलीन को एक छोटी कटोरी में निकाल लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन हम इसमें ऐड करेंगे और फिर वैसलीन और ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तीसरी चीज हम जो इसमें ऐड करेंगे वो है विटामिन ई के कैप्सूल। तो विटामिन ई के कैप्सूल भी इजीली केमिस्ट शॉप से मिल जाते हैं, तो 2 कैप्सूल में विटामिन ई के इसमें ऐड करूंगी। तो कैप्सूल में थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसका लिक्विड हम इसमें ऐड करेंगे। और अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फटी हुई एड़ियों के लिए क्रीम बनकर तैयार है। इस क्रीम को आप किसी छोटी डिब्बी में बनाकर भी रख सकते हैं, और आगे मैं आपको इसे लगाकर दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से लगाना है। इस क्रीम को आपको अपने साफ पैरों पर अप्लाई करना है। इस क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने पैरों को अच्छे से रगड़कर साफ करना है, डेड स्किन को निकाल देना है, और फिर इस क्रीम को अपनी फटी हुई एड़ियों पर अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ से भी आपकी एड़ियाँ फटी हैं वहाँ सारी जगह पर अच्छे से अप्लाई करें। वैसे इस क्रीम को अगर आप रात को सोने से पहले पैर साफ करके लगाएं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 3 से 4 दिनों में आपको बहुत अच्छा फर्क दिखेगा। और अभी मैं आपको अपने पैर दिखा रही हूँ, मेरे पैरों की एड़ियाँ बिल्कुल भी फटी नहीं हैं। तो आप भी अपने पैरों की एड़ियों को सॉफ्ट और मुलायम बना सकते हैं। बस आपको ये क्रीम रात को सोने से पहले साफ पैरों पर लगानी है। तो अंगूठे के पास से भी स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, फट जाती है, तो आप वहाँ पर भी इस क्रीम को अप्लाई करें। अगर आपके पैरों की एड़ियां नहीं फटी तो भी आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसे लगाने से आपके पैरों की एड़ियां फटेंगी ही नहीं, और साथ ही आपके पैरों की एड़ियां सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगी और आपके पैर सुंदर दिखेंगे। फटी हुई एड़ियों को ठीक करने और एड़ियों को मुलायम बनाने का ये इफ़ेक्टिव तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस तरीके को अपनी फटी हुई एड़ियों पर ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।